नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूपिका लियाकत है और हमारी ये जो न्यूज 18 इंडिया की सवारी है वो आज एक बार फिर से विजय चौक आ पहुंची है, क्योंकि भाई दूसरे चरण का मतदान जब मैं आपसे बात कर रही हूँ बस वो आखिरी चरण में चल रहा है। देश की 88 सीटों पर इस वक्त पुरजोर तरीके से मतदान चल रहा है और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा यहाँ पर मौजूद है। अमिताभ का यहाँ होना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि जिस जगह जिस सरजमी पर हम खड़े हुए हैं यहाँ की सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं यहाँ के इतिहास की भी बारीकी से ये जानकारी रखते हैं। यहाँ आने के लिए जो लड़ाई झगड़े होते हैं उतने ही झगड़े कहा जाता है, इसे बनने के लिए भी हुए। बिल्कुल, जब 1911 में रूपिका यहाँ शिफ्ट किया जा रहा था कोलकाता से यहाँ पर, तो इस जगह को चुना गया था। तो लॉर्ड कर्जन जिन्होंने बंग भंग बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था, शायद उनको पता नहीं था, काफी सीक्रेट तरीके से यहाँ पर मूव किया गया था। जब यहाँ पर लाने की बात हुई तो कर्जन ने और उसके कई सहयोगियों ने काफी खरी खोटी सुनाई, कई जो श्राप भी दिया कि ऐसा है कि आप लोग वहाँ जा रहे हो दिल्ली में ऐसी जगह पर जहाँ आप गर्मियों में सड़ोगे, आप छोटे छोटे कमरों में रहोगे, सांप काटेंगे आपको तमाम। लेकिन किंग जॉर्ज 5 का यहाँ पर कोरोनेशन होना था दिल्ली में, ये दिखाना था कि ब्रिटिश एम्पायर ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह से यहाँ राज कर रही है, ये दिखाने के लिए पूरी की पूरी कवायद रची गई। आज आप हमारे पॉलिटिकल गाइड भी है और आप न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को, चाहे वो झांसी में बैठा हुआ है, चाहे वो बेंगलुरु में बैठा हुआ है, चाहे वो उदयपुर में बैठा हुआ है, चाहे वो वहाँ गुना में बैठा हुआ है, सबको आप बताने वाले इस वक्त क्या नजर आ रहे हैं। पुजारी जी वहाँ पीछे की तरफ दिखाइए, ये संसद भवन दिख रहा है ना? अच्छा, ये संसद भवन की तरफ, ये नया संसद भवन भी है, ये पुराना संसद भवन है। और मैं बता दूं इसको बनाने में भी जो दो आर्किटेक्ट थे लुटियंस, एडविन लुटियंस, दूसरे बेकर, बेकर ने कहा कि यहाँ पर हमें एक ट्रायंगुलर बनाना चाहिए, हाँ? ट्रायंगुलर पार्लियामेंट होना चाहिए। अच्छा। एडविन लुटियंस का कहना था नहीं सर्कुलर होना चाहिए, ठीक हाँ? है। अब ऐसा जब यहाँ जब बताया गया कि ऐसा होना चाहिए, हाँ? लेकिन जीत अल्टीमेटली लुटियंस की हुई, यहाँ पर सर्कुलर बना। वो हाँ? चाहते थे कि क्राउन प्रिंस का हॉल बने, एक राज्यसभा बने, एक लोकसभा बने, बेकर का कहना। अब जो हम आ गए हैं ये दोनों, ये जिस तरफ अभी पुजारी जी दिखा रहे हैं ये कौन सा इलाका है? देखिए इसे नॉर्थ ब्लॉक कहते हैं, ये सामने होम मिनिस्ट्री दिख रही है और एक से गृह मंत्री देश को मिले हैं और अमित शाह गृह मंत्री हैं देश के और काफी बखूबी राज कर रहे हैं, उनके आगे वित्त मंत्रालय है, ठीक आगे, इसे नॉर्थ ब्लॉक कहते हैं। साउथ की तरफ आए तो सामने आपके डिफेंस, ये रक्षा मंत्रालय है पूरा का पूरा, उसके बाद आप विदेश मंत्रालय, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पीएमओ है, उसके बाद आपको राष्ट्रपति भवन नजर आएगा रूबिका। इसे रायसीना हिल कहते हैं, इसे कॉरिडोर ऑफ पावर कहते हैं। रायसीना हिल क्यों कहा जाता है? कहते हैं कि यहाँ जो खानदान रहा करता था उसे रायसीना कहते थे, उसके नाम से जाने जाते थे। 400 परिवार है जिनसे जमीन ली गई थी और उसके बाद 13 मीटर की ऊंचाई, उनके वंशज आज भी कंपेंसेशन मांग रहे हैं। मालचा गाँव के लोग काफी कंपेंसेशन, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना, मैं आपको थोड़ा आगे बढ़े मैं दिखाऊंगा। अगर एक जब लुटियंस ने जब बनाना शुरू किया, उन्हें उनका काम था राष्ट्रपति भवन बनाना, और जो दोनों ये सेक्रेटरी इंपीरियल सेक्रेटरी बनने वाले थे, जो वाइस रॉय का होना था, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक जिसे कहते हैं, ये इंपीरियल सेक्रेटरी बना था। आप देखो यहाँ से सिर्फ डोम नजर आता है, सबसे मुश्किल यही है। इसको एडविन लुटियंस ने अपने सहयोगी बेकर को कहा था ये बेकरलू है, क्योंकि नीचे से आपको पूरा का पूरा राष्ट्रपति वो नजर ही नहीं आता। ये बड़ा बेकरलू, मतलब आप बैटल ऑफ वाटरलू आपको याद होगा जहां नेपोलियन हारा था, ये इतिहास में उन्होंने बेकर लू इसलिए कहा था क्योंकि राष्ट्रपति भवन की भव्यता नीचे से यहाँ से नजर नहीं आ रही है। इसे किंग्सवे कहते थे, किंग्सवे था, क्वींसवे था, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि बेकर ने इन दोनों को बनाया, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, और ऊपर जो राष्ट्रपति भवन है वो लुटियंस ने बनाया था, उसकी भव्यता यही है। एडविन लुटियंस, इसका एक नया टर्म आया लुटियंस, वो इलाका जहाँ पर अक्सर प्रधानमंत्री कहते हैं कि गॉसिप्स हुआ करती थी और उनके उस कॉरिडोर में मैं कभी नहीं पहुंचा। आपको याद होगा जब शुरू में 2014 में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे। अब बहरहाल अब आपको बताते, देखिए यहाँ से ये 13 मीटर ऊंचाई पर बने राष्ट्रपति भवन के अगल बगल नॉर्थ और साउथ ब्लॉक यही की कवायद है। ये जो लोकतांत्रिक चुनाव इस वक्त आप देख रहे हैं 2024 के, और फिर ठीक सामने आपको इंडिया गेट और कर्तव्य पथ नजर आता है। बिल्कुल, यही राजपथ था किंग्सवे जो की अब कर्तव्य पथ है, आगे क्वींसवे था जो की कनॉट प्लेस जाता था। तो सब सारी तैयारी इनकी ब्रिटिश एम्पायर की थी, ये दिखाने की दुनिया को कि ये जो गुंबद नजर आता है ये यूरोपियन आर्किटेक्चर,
और भारतीयों भारतीय आर्किटेक्चर का बड़ा मिश्रण है। अगर आप यहाँ के मुगल वो जालीदार देखिए, अंग्रेजों का दिल्ली आने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि अगर 1857 के विद्रोह को देखें, सारे विद्रोही दिल्ली की तरफ भागे थे, तो अंग्रेजों को लगता था कि दिल्ली ही इनकी सेंटर है, दिल्ली का मिथिकल वैल्यू है, दिल्ली पुरानों में नजर आती है, दिल्ली का नाम का शहर, तो उन्होंने दिल्ली को तभी चुना, समर कैपिटल शिमला के पास। आज आप मुझे इतिहासकार अमिताभ सिन्हा नजर आ रहे हैं, लेकिन इतिहास नहीं, अभी तो देश जो है फ्यूचर देखना चाह रहा है। अमिताभ जी, 2024 का फ्यूचर, पॉलिटिकल फ्यूचर, उसको लेकर कवायद बड़ी तेजी से चल रही है। कितने शानदार और कितने दिलचस्प इस वक्त चुनाव चल रहे हैं। बहुत दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि हर रोज अगर आप देखिए तो हर रोज मुद्दा बदलता जा रहा है, हर रोज प्रधानमंत्री ने मुद्दे लेकर आ रहे हैं, तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि सरकार अपनी परफॉर्मेंस और सरकारी एजेंडा सेट कर रही है, अपोजिशन एजेंडा सेट नहीं कर पा रहा है। ये सबसे बड़ा इस चुनाव की खासियत है रूपिका। और ये देखिए, यहाँ पर अमिताभ सिन्हा बता रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे वो इतिहास हो, किस तरीके से हालात जो है यहाँ पर दिन ब दिन और इंटरेस्टिंग होते चले जा रहे हैं। आप पॉलिटिक्स के लिए आपके पास लगातार हम आते रहेंगे, थैंक यू सो मच। और ये देखिए, ढोल नगाड़ों की थाप आपके सामने है। क्यों है ये ढोल नगाड़े, क्यों नाचा जा रहा है, क्यों इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग तरह की आपको संगीत धुन और सुर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है, क्योंकि ये खूबसूरती है लोकतंत्र की, ये जश्न है। ये पॉलिटिकल पार्टियों के लिए लड़ाई होगी, लेकिन हम मतदाताओं के लिए ये खूबसूरत पावरफुल ताकतवर निशान जो है ये बताता है कि हम लोकतंत्र के जश्न को ऐसे ही मनाते रहेंगे। तो ये देखिए आप, ढोल नगाड़ों के साथ सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो जश्न है जो रुकना नहीं चाहिए, ये वो जश्न है जो लगातार चलते रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ ढोल और नगाड़ों और यहाँ म्यूजिक के जरिए ही नहीं, आपको ये जश्न अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके निभाना है। तहसीन पुनावाला आ चुके हैं, शहजाद पुनावाला आ चुके हैं, विवेक श्रीवास्तव आपको नजर आ रहे हैं, और अपने जेश अवस्थी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज मतदाताओं ने कहां कहां कितने प्रतिशत में वोट किया है और सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा है, पहले आपको वो बताते हैं और फिर ये चर्चा हो जाएगी शुरू विजय चौक से न्यूज 18 इंडिया पर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर हुए मतदान में वोटरों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। केरल से जम्मू कश्मीर तक, राजस्थान से मणिपुर तक और यूपी से महाराष्ट्र तक सुबह से ही लंबी कतार में वोटर अपनी बारी का इंतजार करता दिखा। 13 में 12 राज्यों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लेकिन बंगाल में इस बार भी बवाल हुआ। बंगाल के बालूर घाट इलाके में जबरदस्त हंगामा हुआ। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार की इस दौरान पुलिस वालों के साथ झड़प भी हुई। बीजेपी का आरोप है कि बालूर घाट में बीजेपी समर्थकों को वोट डालने से रोका जा रहा है। एक तरफ उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला वोटर कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ईवीएम से वोटिंग पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वो सभी याचिकाएं खारिज कर दी जिसमें बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई थी और वीवीपैट की 100% पर्चियों की गिनती की मांग की गई थी। दो दिन चली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि चुनाव आयोग ने अदालत के सारे संदेह दूर किए, हर चीज पर अविश्वास नहीं जताया जा सकता, संदेह के आधार पर ही आदेश नहीं जारी कर सकते, संवैधानिक संस्था के कामकाज को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन इस दौरान कोर्ट ने ये बात भी कही कि सिंबल लोडिंग यूनिट को 45 दिन तक सील रहने दिया जाए।
और अगर किसी उम्मीदवार को ईवीएम में गड़बड़ी का संदेह होता है और वो वेरिफिकेशन की मांग करता है तो सारा खर्च उसे खुद ही उठाना पड़ेगा। इस दौरान अगर वाकई ईवीएम में छेड़छाड़ पाई जाती है तो सारा खर्चा वेरिफिकेशन की मांग करने वाले उम्मीदवार को वापस किया जाएगा। उम्मीदवार इस वेरिफिकेशन की मांग नतीजों की घोषणा के 7 दिन के भीतर लिखित रूप में कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम मोदी ने भी अपने अंदाज में निशाना साधा। देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए, बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की ताकत देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मत पेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ईवीएम पर उठ रहे सवालों पर विराम जरूर लग जाएगा, लेकिन ईवीएम की विश्वसनीयता पर हो रही बयानबाजी का तेज होना तय है। शासित राज्य में आज 88 सीटों पर चुनाव मतदान हो रहा है। 5 बजे तक का आधिकारिक टाइम था, अभी 4:54 हो रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि कई ऐसी जगह पर है जो अति संवेदनशील है, वहां पर 5 बजे तक था। कई ऐसी जगह है जहां 6 बजे तक ये मतदान होना है और उसके बाद भी जो लोग क्यू में लगे रहेंगे उस बूथ और उस आसपास के इलाके में, उस कैंपस में, वो वोट कर सकते हैं। देखिए, मैंने तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल जिम्मेदारी से कर लिया है, आपने अगर नहीं किया है तो आपको करना जरूरी है। मोबाइल फोन पर गूंज देख लीजिए, बाकी खबरें देख लीजिए, लेकिन जाइए जरूर और मतदान करके आइए। ये देखिए, ये सारे युवा इस वक्त आपके सामने हैं, जोरदार तालियों से। और वहां पे बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर घूमने के लिए आए, ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। और वो ठीक मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, रायसीना हिल्स के एकदम आगे, ये वो खास मेहमान है जो आज डिबेट करने वाले हैं। डिबेट किस बात पर हो रही है? एक तो मतदान हो रहा था और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में फैसले का इंतजार हो रहा था। फैसला क्या था, फैसला किस चीज के लिए था? ईवीएम, वीवीपैट और उसकी गिनती को लेकर था। और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, जो वीवीपैट की गिनती की याचिका थी उसको खारिज कर दिया। और इम्पोर्टेंट बात क्या कही कि हर चीज पर अविश्वास बगैर किसी प्रूफ के ठीक नहीं है। अब बाकी बचे चरणों में ये मुद्दा कहां तक जाएगा और ये जो बार बार ईवीएम, राजा की जान जो है वो इस तोते में है जिसका नाम ईवीएम है, ये सब बातें खत्म होगी कि नहीं, इसी पर हो रही है आज गूंज में चर्चा। शुरुआत करते हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शहजाद पूनावाला का, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनके सगे भाई तहसीन पूनावाला का, जिनकी विचारधारा इनके बिल्कुल विपरीत है। बहुत जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए विवेक श्रीवास्तव का, जो यहाँ पर लेफ्ट की विचारधारा को रखते हैं। और फिर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आपने जयेश अवस्थी की, अवस्थी का, जो कि राइट विचारधारा को, राइट विंग की विचारधारा को बहुत पुरजोर तरीके से रखते हैं। शहजाद, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम फैसला लाया, आपकी बल्ले बल्ले है, लेकिन सामने वाला कहेगा ये भी आप सेट कर गए। आज तो बल्ले लोकतंत्र की हुई है, क्योंकि देखिए दूसरा चुनाव का पड़ाव भी था और उसके साथ साथ आज लोकतंत्र बहाल भी हुआ है, क्योंकि जिस ईवीएम को ये बार बार अपना ढाल बनाते थे, ईवीएम दरअसल बहाना है, परिवार को हार से बचाना है, इसलिए संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना है। और आज कम से कम जो अम्बेडकर जी का संविधान का, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, उनको नाक रगड़ कर माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने लगातार ईवीएम पर जो सवाल खड़े किए। परंतु देखिए, एक है हम जो मिशन और विशन के साथ चल रहे हैं, इसलिए हमारा क्या फोकस है, 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना, दुगनी पर कैपिटल इनकम करना, दुगने रेट से हाईवे एक्सप्रेसवे बनाना, इससे जॉब्स जनरेट होते हैं, युवाओं के लिए स्टार्टअप खोलना, और इनका केवल एक ही युवा को सेट करने का एजेंडा है। इसलिए नो मिशन नो विशन, ओनली कमीशन, करप्शन, पॉलिटिक्स ऑफ डिविजन एंड कन्फ्यूजन। ईवीएम के बारे में आज कन्फ्यूजन साफ हो गया है, तो मुझे लगता है कन्फ्यूजन साफ हो गया है। तहसीन पूनावाला नाक रगड़ के माफी मांगने की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो रैली में मुद्दा उठा दिया, उन्होंने कहा ये लोकतंत्र के लिए जश्न का मौका है। जी रूबिका जी, सबसे पहले तो लोकतंत्र में जब भी चुनाव होते हैं जश्न का ही मौका होता है,
लेकिन अगर नाक रगड़ते माफी मांगने की बात कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, तो सबसे पहले 2010 में इन्होंने किताब लिखी थी, इन्होंने यानी कि भाजपा ने, कि ईवीएम मतलब ईवीएम में घोटाले, उसका फॉरवर्ड एल के अडवाणी जी ने कहा था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए थे जहां पर वीवीपैट आई थी, ये लोग जाकर ईवीएम को इन्होंने चैलेंज किया था सबसे पहला केस। तो पहले जनता से और आवाम से माफी मांगे, चलिए मांगे माफी, हिपोक्रेसी की कोई सीमा होती है? वाह मोदी जी वाह, खुद हिपोक्रेट्स है और दूसरों को कहते। देखिए सवाल हमारा ये था, सुप्रीम कोर्ट के सर के सामने हम सर झुकाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना होगा, उसके खिलाफ आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन प्ली क्या थी? जितने वोट्स हो वो गिने जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट कहती नहीं 5% गिनना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते। लेकिन अगर हम कह रहे हैं एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंसी हो, उसको सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर दिया मानते, तो उसमें गलत क्या? इसमें देश विरोधी कैसे हुए? देश विरोधी कैसे हुए ये बताइए। रूबिका जी, सुप्रीम कोर्ट का चंडीगढ़ पर फैसला आता है उसको मानना है, सुप्रीम कोर्ट का दूसरे मामलों में फैसला आता है मानना है, सुप्रीम कोर्ट का ईवीएम पर फैसला है इसको नहीं मानना है, इसका मतलब साफ है कि केवल देश की लोकतंत्र पर। और रूबिका जी, एक सेकंड, इतना चिल्ला रहे पूरी दुनिया में, आज पूरी दुनिया के अखबार उठा लीजिए, पूरी दुनिया ये चर्चा कर रही है कि 90 करोड़ से ज्यादा लोग वोट कर रहे हैं इस लोकतंत्र में, परंतु भारत में बैठे हुए कुछ लोग मोदी का विरोध करते करते देश के लोकतंत्र का विरोध करते हैं। कभी ये लोग विरोध करते सनातन संस्कृति का, यहाँ तक कि जय सियाराम से शुरू किया, ये लोग तो राम जी का विरोध करते करते राम मंदिर का भी बहिष्कार कर दिया था। आज जय सियाराम बोल रहे हैं, बोलिए कि अभी तक रोम रोम करने वाले राम राम कैसे करते हैं। 20 सेकंड सर, चलो हमने राम मंदिर हम नहीं गए, हम गलत है मान लेते। अमित शाह जी को तो न्योता आया था, क्यों नहीं गया अमित शाह जी राम मंदिर? आया था ही नहीं। मैं बताता हूँ, बीच में मत बोलिए, बताता हूँ। जेपी नड्डा जी को आया था कि नहीं आया था? मैं बताता हूँ, ये करे तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनहगार, ये इनका, देखिए सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का नहीं सुनिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना होगा। एक मिनट, रूबिका जी आपने उसको फ्री पास दिया, मुझे रूबिका जी उनको फ्री पास दिया, सुनिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना होगा, नो इफ नो बट। लेकिन जरा पूछिए इनको पहले क्यों गए थे ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, तब इनको विश्वास नहीं था संस्थाओं पर, और 90 करोड़ लोग आज वोट कर रहे हैं, क्या पहली बार 1947 के बाद 1951 के बाद चुनाव हो रहे? इस महान लोक ने चुनाव देखा नहीं, देखे मोदी जी के आने के बाद चुनाव हुआ? कैसे? रुकिए, जवाब दीजिए। झूठ बोलने की कोई सीमा नहीं है इनकी। हम लोग जरूर ईवीएम के ऊपर जब प्राथमिक सवाल उठे थे तब सुप्रीम कोर्ट कुछ लोग गए थे, जब पहला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये पहला नहीं ये 40वां फैसला है, ये 40 फैसले के बाद भी अलीबाबा 40 चोर मानने को तैयार नहीं है, हम पहले फैसले के बाद स्वीकार करते थे। और ये वो लोग हैं, जब तेलंगाना में ईवीएम इनको नतीजे देता है तो तेलंगाना में मान लेना है, पंजाब में मान लेना है, दिल्ली में मान लेना है, पर क्योंकि केंद्र के चुनाव हारने वाले हैं इसलिए पहले से वोटिंग की वोटर्स वोट की टैली हो, टैली हो रही है, हम मानने वाले नहीं, टैली अगर गलत है तो भैया आपकी टैली हम कह रहे हैं टैली करो। अरे भाई मेरा सुप्रीम फैसला है ना, मैं दोनों को रोक रही हूँ। देखिए टैली की समस्या नहीं है तो मैं भी एक वकील हूँ। नहीं नहीं दोनों नहीं, दोनों रख दीजिए। समस्या बेटा में है, टैली डेटा का कर रहे हैं, बताइए समस्या बेटा में है भाई, बेटा सुधारो, डेटा में रुक जाए। शहजाद रुक जाए, विवेक जी ये तो ईवीएम वाला मामला बिल्कुल ऐसे ही हो गया है कि मेरे दोनों बच्चे खेल रहे हैं और एक जब हारता है तो कहता है ये बैट भी खराब है बॉल भी खराब है मैं नहीं खेल रहा, और दोनों फेंक के चले जाते हैं, और जीत जाए तो कहे यही चमत्कारी बैट है यही चमत्कारी बॉल है। अरे थोड़ा तो भाई शर्म लिहाज होनी चाहिए ना। सीधी सी बात है, मेरा ये कहना है और तहसीन भाई भी यही कह रहे हैं कि जो कोर्ट कहता है वो फाइनल है, हमें मानना चाहिए। अगर हम अपनी संस्थाओं का अपने कोर्ट्स की नहीं सुनेंगे तो अराजकता फैलेगी, पहली बात। लेकिन कोर्ट ने कहा क्या है? कोर्ट ने कोई क्लीन चिट नहीं दी है, कोर्ट ने कहा है इट इज स्टैटिस्टिकली एट दिस मोमेंट इम्पॉसिबल कि आप वीवीपैट की सारी पर्चियों को निकाल करके उसका ऑडिट शुरू करें और मैचिंग कराएं उसकी ईवीएम के साथ। ये क्यों नहीं बता रहे हैं? लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है, कोर्ट ने कहा है कि हर चीज पर अविश्वास नहीं, कब तक चलाएंगे आप? वो एक स्टेटमेंट है उसको हम सेलेक्टिवली देख सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने ऑथेंटिकेशन को तो आप एक बढ़िया सा स्टेटमेंट मानते हैं। नहीं, कोर्ट ने ये भी कहा है कि जल्द से जल्द ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए कि वीवीपैट की पर्चियों की काउंटिंग और ऑडिटिंग शुरू हो। ये तो होना ही चाहिए। अच्छा एक, लेकिन मेरा सवाल, हम ईवीएम पे डिस्कशन करते हैं, ये भगवान राम पे पता नहीं क्यों आ जाते हैं। अब भाई ईवीएम पे डिस्कशन है तो ईवीएम पे बात कर लेंगे ना, राम पे भगवान राम से क्या एलर्जी है? चलेगा ना इनको भगवान राम से क्या एलर्जी है? अगर आप कॉन्फिडेंट है, एलर्जी है अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, राम से भी एलर्जी है, वैक्सीन से भी एलर्जी है, केवल चाइना से प्रेम है, हमें किसी से एलर्जी नहीं है, लेकिन आप टू द पॉइंट स्पेसिफिक बात करिए। अगर एंकर ने ईवीएम का टॉपिक उठाया तो ईवीएम पे स्टिक अराउंड करिए। दूसरी बात सुन लीजिए पहले सर, दूसरी बात, भाजपा डरती है हिंदू मुसलमान करती है, दूसरी बात ताली नहीं बजी, बताइए ये हो गया इनका, वही होने वाला है 4 जून को, यही होने वाला है 4 जून को, यही होने वाला है। चल रहा है, ताली नहीं बजा रही रूबिका,
ऐसा है, ऐसा है, आप इस बात को समझिए। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी विचारधारा पकड़ी है और पूरी की पूरी डिबेट पर कब्जा भी कर लिया है। आपने जयजी रखिए अपनी बात। रूबिका जी, मुझे तो आज ये चिंता सता रही है कि इस बार 4 जून को बहाना कौन सा बनाएंगे ये। अब सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद एकमात्र बहाना था इनका, वो भी ले गई सुप्रीम कोर्ट। अब नया कौन सा बहाना बनाएंगे, मुझे ये चिंता हो रही है आज से कि अब इनको नया काम मिल गया। एक बात रूबिका जी, आज ये सिर्फ देश के लोकतंत्र का सवाल नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत के लोकतंत्र को, भारत की छवि को खराब करने का सुनियोजित षड्यंत्र था ये। जितना ये जो आया ना, प्रॉपर्टी कर देंगे, ये कर देंगे, चाइना से जो कंपनियां यहां पर आ रही हैं, एप्पल हो या बड़ी बड़ी सैमसंग आ चुकी है, या जितनी भी कंपनियां आई हैं, अभी ताइवान का यहां पर सेमीकंडक्टर लग रहा है, वो यहां पर ना लग पाए, भारत के लोकतंत्र में एक अस्थिरता दिखाई दे, ये सुनियोजित षड्यंत्र जो आप लोगों को समझना चाहिए। और मैं खुलेआम आरोप लगा रहा हूं, आप कहें तो आप मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करिए। रूबिका जी, आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पश्चात कम से कम आप ये आश्वासन तो ले सकती हैं कि आज के बाद अपने ये ओठ बंद रखोगे ईवीएम के बारे में? नहीं नहीं, ये क्या करें? नहीं रखेंगे, अभी भी कह रहे नहीं रखेंगे, हम फिर बोलते रहेंगे। आपका एनालिसिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गलत और एक तरफा है। सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है कि आपको ऑडिट करना पड़ेगा वीवीपैट की, जब तक अरे समय दोबारा चले जाओ, इलेक्शन चल रहे हैं, बीचों बीच सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं दे सकता था, कैसे मैनेज करते हैं इलेक्शन को? छोटा सा 10 सेकंड। दूसरी बात, नहीं दूसरी बात, अगर इलेक्शन फेयर है, अगर इलेक्शन फेयर है तो ईवीएम हो या बैलेट, आप डरते क्यों हैं? आप सुप्रीम कोर्ट ईवीएम से प्रेम क्यों है? चुनाव का टाइम चल रहा है, डरते चोट पे कहते हैं कि जो मर्जी करा लो, मुझे जवाब 10 सेकंड। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर आदमी जो है, हर आदमी के वीवीपैट का मिलान नहीं हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाती है, उन्होंने कहा है, तो अच्छी बात है ना। जजमेंट को पढ़िए, जजमेंट को पढ़िए, आप और मैं साथी थे जब जजमेंट हुआ था, कोर्ट ने ये कहा था कि ये शक का इलाज नहीं हो सकता। वो एक स्टेटमेंट है, ये भी कहा है कि टेक्नोलॉजी लाई है जिससे ऑडिट हो सके, लेकिन इनको डर क्या है? इनको ईवीएम से प्रेम क्यों है? जर्मनी में ईवीएम बैंड, इटली में बैंड, इटली और जर्मनी, इटली भैया इटली तुम्हारा आदर्श होगा, ईवीएम को इटली आपका आदर्श होगा, हमारा नहीं है। 90 करोड़ वोटर है सर, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, 96 करोड़ वोटर है। नीदरलैंड्स ने कहा है, विवेक जी ने कहा जर्मनी में बैन, इटली में बैन, इधर बैन, उधर बैन। अब विवेक जी पूरा सवाल सुन के जवाब देना, जर्मनी और इटली में जिसकी वकालत सुप्रीम कोर्ट करती है यूसीसी है, आप यूसीसी के साथ या सुप्रीम कोर्ट जो कहता है यूसीसी के खिलाफ? बताइए, यूसीसी के साथ, यूसीसी के खिलाफ? अच्छा दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने बात की, हम सुप्रीम कोर्ट की बातें मानते हैं, तो 3 तलाक का कानून आया, 3 तलाक के कानून को क्यों समर्थन नहीं किया? बताइए महिलाओं के अधिकारों पे क्यों यूटर्न करके, बोलो बोलो, यहाँ पे महिलाएं और बच्चियां बैठी है, यूसीसी का विरोध करते हैं, संदेश खाली में जो हुआ उसका विरोध नहीं करते, बताइए। सुन लीजिए, उसका जवाब दे रहा हूँ, अभी ड्राफ्ट नहीं आया ना, एक मिनट को आने दीजिए, एक मिनट मैं जवाब देता हूँ। रूबिका जी, बिना ड्राफ्ट आए हम क्यों एग्रीगेट इस देश में? बिना ड्राफ्ट आए आप कैसे कह सकते हैं एंटी मुस्लिम है? आप भी स्वरा भास्कर वाली बात कर रहे हैं। इनकी मंशा पे हमें शक है, इनकी मंशा एंटी माइनॉरिटी है, अभी ड्राफ्ट आया नहीं है, माइनॉरिटी है सर। देखिए, स्वरा भास्कर को भी प्रॉब्लम होगी थी, अभी बच्चा हुआ नहीं है, उससे पहले आपने मुंडन करवा दिया, तो फिर ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप कैसे कह रहे हैं एंटी मुस्लिम है? एक सेकंड, ड्राफ्ट नहीं दिया मुझे। विवेक जी आपने बात रखी, विवेक जी आपने बात, तहसीन क्या हो गया भाई? ये रूबिका जी एक वाक्य का जवाब तो ले लीजिए, माइक पकड़ के क्यों चुप बैठ जाते हैं? नहीं रूबिका जी जवाब दे रहे, तो अगर भाजपा के प्रवक्ता बोलने दे, रूबिका जी एक वाक्य मैं अपना पूरा कर लूं उसके बाद बोले। 10 सेकंड। देखिए, यूसीसी को लाने वाले कांग्रेसी, संविधान में डालने वाले कांग्रेसी, लाने वाले आंबेडकर जी, और पहली बार लागू किया गोवा में कांग्रेसी, और आज जब लागू करने की बात की जा रही है तो बोल रहे कि एंटी मुस्लिम है, जबकि इस चंद्रचूड़ जी जो हमारे जस्टिस है, उनके फादर ने इसकी वकालत की है, उन्हीं ने वकालत की है, फिर भी यूसीसी का ड्राफ्ट, इन्होंने यूसीसी पे कोई ड्राफ्ट नहीं तैयार किया, के प्रिंसिपल को तो बोल रहे हैं, सिर्फ फियर फैक्टर फैला रहे हैं। उत्तराखंड वाले के साथ था, उत्तराखंड वाले के साथ था यूसीसी के, वेयर इज द ड्राफ्ट ऑफ यूसीसी? उत्तराखंड में लागू हो रही है, हवा में बात हो रही है,
सर रुकिए रुकिए, नहीं हवा में कहा, मुझे चौक पर बात हो रही है सर। देखिए ये यूसीसी से ये इतने प्रभावित क्यों है, ये महिलाओं को अधिकार मिले इससे ये प्रभावित क्यों है? नहीं नहीं, महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को बिल्कुल अधिकार मिलना चाहिए। गुजरात में एक चीज है मैत्री करार करते, जहाँ पे एक शादीशुदा मर्द सरकार के परमिशन से गर्लफ्रेंड रख सकता है, शादीशुदा मर्द। ये यूसीसी में नहीं निकाल रही, गुजरात में, गोवा के अंदर एक शादीशुदा मर्द अगर 30 साल की उम्र से ज्यादा उसको लड़की होती है और लड़का नहीं होता है, वो दूसरी शादी कर सकता है। गुजरात में, गोवा में इनकी सरकार है, इनके मुख्यमंत्री आईबीएन को कहते हैं हम ये प्रोविजन नहीं हटाएंगे। यूसीसी लाइए ना, ये प्रोविजन हटाइए। ये लोग सिर्फ कम्युनलाइज करते, कोई महिलाओं के अधिकार के लिए नहीं है। लेकिन डिबेट हो रही थी ईवीएम पे, ये चले गए हिंदू मुसलमान पे। दोबारा से कहता हूँ, जब जब भाजपा करती है हिंदू मुसलमान करती है। ताली भी बची, एक सेकंड, अब देखो बची, पब्लिक भी आ गई इस साइड पर। 4 जून को यही होने वाला है, 4 जून को यही होने वाला है। लोग समझ गए आपका हिंदू मुसलमान का एजेंडा, ईवीएम पे ले गए आप हिंदू मुसलमान पे। रुकिए, जनता ये सब जानती है, जनता ने रूबिका लियाकत की मोहब्बत में आपके लिए ताली बजाई है। मैंने कहा जनता ताली बजा दो, तो बजा दी है ताली। एक बार और बजा दो, जोरदार और बजाइए। थैंक यू। अब यही मैं कह रहा हूँ, अब देखिए, अब मैं जनता के ही बीच में जा रही हूँ। क्या मुद्दा रहेगा, वोट डालते हो? नहीं अभी नहीं हुआ है मेरा, अभी नहीं है। कितना टाइम बाकी? 2-3 महीना में हो जाएगा। 2-3 महीने में? तो क्या लग रहा है किस किस मुद्दे पर वोट दोगे? अगर दोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट चाहिए मुझे तो। मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे रोजगार चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसे कि फोर्स है, आर्मी वगैरह में आपका नहीं रहता रिजर्वेशन वगैरह, ओबीसी इसम को लेकर, तो नीट ये सब पे भी नहीं रहना चाहिए कहीं तो कहीं, क्योंकि यहीं भी, यहाँ भी चाहिए आपको कैपेबल लोग, जो कि मतलब अपने, मतलब जिनके पास ज़्यादा एजुकेशन है। इसके रोजगार एक बड़ा मुद्दा। मैम लास्ट वीक पीएम मटन और मछली की बात कर रहे थे, अब वो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। मैम हमारे जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, बीट, महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट। मैम मैं लॉ परस्यू कर रहा हूँ, अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे तो फिर हम कहाँ से कुछ भी करेंगे। यानी एक बार फिर से रोजगार, मंगलसूत्र और इधर उधर की बात क्यों, मुद्दे की बात क्यों? मैम 2 सीटों से रिजर्वेशन चल रहा है राहुल गांधी का, केरला में भी और अमेठी में भी। अमेठी में अभी हुआ नहीं है, अब वायनाड के बाद वो डिसाइड करेंगे, अभी हुआ नहीं। तो वो सेफ साइड लेकर हमेशा क्यों चलते हैं? सेफ सीट क्यों लेकर चल रहे हैं? हाँ सर, मुद्दा हमेशा से महंगाई और रहता है, महंगाई कभी खत्म नहीं हो सकती, कोई गवर्नमेंट आ जाए ना बोल बेरोजगारी खत्म कर सकती है। जब आपने जैसे ही बोला तो मेरा आपके पटके पर नजर गई, और पटके पे लिखा है बीजेपी। मैं हूँ बीजेपी का हूँ, मैं रिटायर हो गया, इलाहाबाद बैंक में था, मेरे 3 साल रिटायरमेंट के हो गए, अब मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आ चुका हूँ। एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए हैं, बैक बेंचर्स क्या सोचते हैं? मैम अगर इतना ही सब रोजगार के चक्कर में सब बढ़ता रहेगा तो हमारी एजुकेशन का क्या होगा? हमारे जो एजुकेशन जो है उसको कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी ना भाई, आप नौकरी नहीं मिलेगी। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, एजुकेशन अभी तक हमारा अच्छा नहीं हो पाया, कॉलेजेस हमें अच्छे मिल नहीं रहे, डिग्री हमें मिल रही है तो इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट कितने लोग मानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा मुद्दा है? हाँ अरे सर आप तो रिटायर हो गए हैं, हैं उनको अभी नौकरी चाहिए। हाँ सवाल है, नहीं नहीं अनएम्प्लॉयमेंट पर शहजाद आपको जवाब देना है। हाँ मैम मेरा सवाल ये है कि इलेक्शन के पहले ही क्यों रिलीजन का मुद्दा शुरू हो जाता है? ऐसे तो सब शांत रहते हैं। जवाब दीजिए भाई, सब चारों को जवाब देना है। हाँ शहजाद एक बात बताइए, हमारे मैनिफेस्टो में हाउसिंग फॉर ऑल, पाइप गैस कनेक्शन फॉर ऑल, टैप वाटर फॉर ऑल, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर ऑल, हमारा मैनिफेस्टो बोलता है कि कैसे ओलंपिक्स लाना है, कैसे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, और किसी का मैनिफेस्टो बोलता है कि शरिया लाना है, किसी का मैनिफेस्टो बोलता है कि न्यूक्लियर पावर को खत्म कर देना है। ये मैनिफेस्टो कम्युनल है या वो जो शरिया की वकालत कर रहा है और महिलाओं के अधिकारों की? और दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम हम करते हैं, उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं सनातन समाप्त कर देंगे, हमने बोला था क्या? शक्ति का विरोध करना है राहुल गांधी ने बोला था, मैंने बोला था? बोलो, राम मंदिर का विरोध करना, राम मंदिर को लटकाना अटकाना भटकाना, और राम जी का अस्तित्व नहीं, और राम मंदिर के अंदर जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसको पाखंड कहना, ये हमने किया था क्या? पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये कहते ना कि हिंदू मुसलमान नहीं करते, बस एक ही चीज पूछना चाहता हूं, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, जो आरक्षण अंबेडकर जी ने, सुन लीजिए, जो अंबेडकर जी ने आरक्षण की व्यवस्था बनाई, वो आरक्षण धर्म के आधार पर एक धर्म को देना, ये हिंदू मुस्लिम करना बात है, एम्प्लॉयमेंट की है रूबिका, ये फिर धर्म पे जा रहे हैं, बता दीजिए, ये फिर धर्म पे जा रहे हैं, कौन आ रहा, ये धर्म के अलावा किसी चीज पे नहीं, धर्म 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 के आधार पर आरक्षण, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट सवाल है, पढ़ाई के एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट। विवेक जी रुकिए ना, वही पूछ रही सवाल, आप धर्म पर आपने जवाब दे दिया, अब रोजगार, रोजगार पर जवाब। आज बताना चाहता हूँ,
जब 2014 में इनकी सरकार गई तो 11 करोड़ ईपीएफओ थे, आज 27 करोड़ ईपीएफओ जिसमें कंट्रीब्यूट किया जाता है। 11 किलोमीटर प्रतिदिन के रफ्तार से रस्ते बनते थे, आज 37 किलोमीटर से बनते हैं। 70 एयरपोर्ट थे, आज 140 एयरपोर्ट बने। ये किसने बनाया? इटली के लोगों ने बनाया क्या? और इसके अलावा आज एनएसएसओ का डेटा उठा के देख लीजिए, सबसे लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% की है, राजस्थान में सबसे हाईएस्ट थी। इसीलिए जब राज्य के चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश में 18 साल के बाद हमारी सरकार रिपीट हुई और इनकी दोनों सरकारें छत्तीसगढ़ और राजस्थान की डिलीट हुई। इसका मतलब कौन कर रहा है काम, ये जनता जानती है। विवेक जी, आप बता दीजिए, ओके मौका दिया, ओके ओके बता दीजिए, ऑल राइट विवेक, कितने मेरी बात दिया बंगला, सुन लीजिए, विवेक विवेक सुन लीजिए, आप इस वक्त स्कूल की पढ़ाई कितनी महंगी है, जिनके घरों में छोटे भाई बहन स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो जानते हैं। कॉलेज की पढ़ाई कितनी महंगी है, पर सेमेस्टर कितनी फीस है आप जानते हैं। हॉस्टल में अगर रहना पड़े, आप दूसरे राज्य से हैं, कितना पैसा पेरेंट्स की जेब से जाता है आप जानते हैं। बीए एलएलबी की फीस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक 6 लाख रुपए सालाना, यानी कि 30 लाख रुपए देकर के आप बीए एलएलबी 5 साल की करेंगे, किसमें? आयम्स में। आयम्स अहमदाबाद की फीस क्या है जरा पता लगाइए। ये बैठे हैं श्रीमान जी, अभी बीए एलएलबी शुरू किया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, 1 साल की फीस शायद 2 लाख रुपए है। कौन देगा? दे सकता है गरीब का बेटा, दे सकता है ड्राइवर का बेटा, दे सकता है चपरासी का बेटा। हर चीज में धर्म, हर चीज में धर्म। बात करो नौकरी की, बात करो फीस की, प्लेसमेंट की बात करो, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, किस कॉलेज के कितने एक्टिव हैं, बहुत अच्छी बात। विवेक जी, कैंपस में विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। आप कभी भी किताबी बातों के इधर उधर जाना पसंद नहीं करते हैं, आप अपना पूरा होमवर्क करके आते हैं। पूरा होमवर्क इन ना, ठीक है, मैं समझ गई, आपने महंगाई की बात की, इन्फ्लेशन की बात की, आप क्यों लोगों को बरगला रहे हैं? मैं नहीं बरगला रहा। ना या फीस में मैंने कोट करी है। नहीं सर, आप मेरी बात सुनिए, मैं फैक्ट्स की बात करूं। विवेक जी प्लीज, फैक्ट्स की बात, फैक्ट्स की बात बोले मैंने। 2014 में इन्फ्लेशन रेट कितनी थी जल्दी बताइए। इन्फ्लेशन से मतलब लिया, नौकरी नहीं मिल रही है। अरे क्या मतलब है, क्या मतलब है सर, जो 10 मैं सुन के राजी नहीं हूं। नहीं सर, जो इन्फ्लेशन 10 हुआ करती थी, नहीं है नौकरी, आज की तारीख में कैंपस में कंपनियां नहीं आती हैं। ये सच्चाई है, मां-बाप फीसें भर रहे हैं, ये सच्चाई है। अरे आप ऐसे ही बार बार बरगलाते रहे हैं, बच्चों से बात करिए, आप ऐसे ही बरगलाते रहे हैं, गलत जानकारी मत दीजिए, इनका कोई जवाब नहीं है। ग्राउंड लेवल पर स्टूडेंट को आप क्या दे रहे हैं, इसका मतलब है डिबेट इस पे होनी चाहिए। सर सुनिए, जवाब देने दीजिए इसका, आप दीजिएगा, लेकिन विवेक जी जस्टिफाई करें फीस को। आप सुनिए मेरी बात, विवेक जी मेरी बात सुनिए ना, आप स्टेज पर है, जब जब सनी देओल ने हैंडपंप उखाड़ा है तालियां ऐसे ही बजी है, जैसे ही आप आवेश में आते हैं तालियां ऐसे ही बजती है, वो दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फैक्ट्स जो है वो इस तरीके से आप उसको ट्विस्ट नहीं कर सकते हैं। इन्फ्लेशन वाज डबल डिजिट, आज की तारीख में वो सिंगल डिजिट में है। नंबर 2 फैक्ट हैप्पीनेस इंडेक्स, नंबर 3 फैक्ट 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को राशन देते हो तो वो खाना खाते हैं। ये शहजाद पूनावाला, ये हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, विवेक जी जैसे लोग सर्वे में जाते होंगे इसीलिए ये अनहैप्पी है। भाई बताइए, इंडिया अलायंस का हैप्पीनेस छिन गया है, इनका रोजगार छिन गया है, लालू प्रसाद के बेटे का रोजगार और हैप्पीनेस छिना है, तो उसके लिए मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ। पर सुन लीजिए, अब इन्होंने फीस वगैरह की बात की ना, मैं इनसे केवल एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए, महंगाई तो चरम पर है, तो आप ही की जो इंडिया अलायंस की सरकार है हिमाचल में, उसने तो फीस भी बढ़ा दी और 6 रुपए डीजल के भी बढ़ा दिए, वहां पर आपका ये काम नहीं कर पा रहा है। और वेस्ट बंगाल में तो बच्चों की नौकरियों के लिए पहाड़ पर पैसा लेकर वहां पे नौकरियां दी थी, तो सारी 26,000 नौकरियां केंद्र में सरकार इनकी, 10 साल से सरकार इनकी, वहां पर पैसे को राज्यों में सरकार इनकी, बताइए, और उत्तर मुझसे मांगते हैं, यहाँ पर जिस तरीके के डाटा पेश किए जाते हैं, मुझे आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हर एक का, चाहे शहजाद हो चाहे विवेक श्रीवास्तव, दोनों के डेटा को आप जाकर के गूगल पे, आज की डेट में इतनी सुविधा है कि तत्काल आप कर सकते हैं। अगर आपका डेटा ना चेक करें, मैंने कहा ना शहजाद और इनका, हाँ, आपका, अरे मेरा तो मैं तो डेटा दे ही नहीं रहा हूँ ना मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि हंगर इंडेक्स जिसकी अभी इन्होंने बात की, हमसे ऊपर पाकिस्तान है, आपको क्या लगता है वो सही है इंडेक्स?
वहाँ पे नहीं है, एक सेकंड बीच में नहीं बोला था मैं शर्म की नहीं सर, ये मजाकिया बात है, शर्म की बात है। नहीं आपको लगता है कि वो इंडेक्स हमको मानना चाहिए, आपको लगता है वो इंडेक्स हमको मानना चाहिए, पाकिस्तान से ऊपर चला गया, आपको लगता है अफगानिस्तान हमसे ज्यादा अच्छा है, देख लिया हैप्पीनेस इंडेक्स में। ओके सर एक सर्वे कर लेते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में आपको, आपको वो इंडेक्स पर यकीन है जब कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान से नीचे इंडिया? नहीं नहीं, पाकिस्तान की जो हाल है इस टाइम पे, उनके पास खाने के लिए सच पे राशन नहीं होता है, उनकी गवर्नमेंट हमारी तरह इतने उन पे ध्यान नहीं देती है इस तरीके से गरीबों को बढ़ाने के लिए। उनके लोग तो उनके खुद के गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो हमें बताएंगे हैप्पीनेस के बारे में? पाकिस्तान की खुद की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो क्या बात कर सकते हैं वहाँ पे? भारत की आदत हालत हो सकती है, बताइए सर विवेक जी, आपके कॉलेज की फीस से डाइवर्ट करके? नहीं नहीं नहीं, आपने आपने कहा था, आपने जटा दिया आपने यहाँ पर, इनके पास है, मैं कॉन्फ्रेंट करूंगा, इनके पास है, रुपिका जी गलत बात है, बीच में बोल रहे हैं, ये चीनी आदमी तो पाकिस्तान पे ले, ये चीनी, ये दो मुद्दों पे ले जाते हैं डिबेट को, या राम या पाकिस्तान। विवेक जी बच्चे कुछ कह रहे हैं सुनिए, राम पे तो आप ही आ गए, फिर आप बोल रहे हो बीजेपी को कि वो राम पे आती है, अभी राम का मुद्दा तो चल ही नहीं रहा था। एक छोटी सी बात कहता हूँ, आज विवेक श्रीवास्तव ने रखा उसकी सच्चाई आपके सामने है, एक सच्चाई और आपको उनके बारे में जाननी चाहिए। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, 1962 के चीन के युद्ध में ये कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या कहा कि हम भारत की फौज को रक्तदान नहीं करेंगे, ये वो देशद्रोही पार्टी है, ये वो देशद्रोही पार्टी है। फीस बताइए, फीस बोलिए ना सर, आईआईटी की सेमेस्टर की फीस क्या है आईआईटी दिल्ली की, इनको बताइए, फीस बताइए, फीस बताइए बच्चों को, बताइए बच्चों को, एक सेकंड मैं बता दूं, शारदा यूनिवर्सिटी की फीस बता दूं या खड़े खड़े? एक सेकंड रूबिका जी, ग्रेटर नोएडा फीस बताइए, विवेक जी, विवेक जी, शारदा यूनिवर्सिटी, विवेक जी, मनमोहन सिंह की जब है भाई, एक सेकंड मनमोहन सिंह, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, इनसे, एक सेकंड इनसे ईमानदारी से पूछिए, ये तालियां बजाने के लिए नहीं, एजुकेशन जो है वो केंद्र का है मामला या ये राज्य का मामला होता है? फीस इनकी सरकारों ने बढ़ाई है और आकर यहाँ पर दावा करते हैं, इससे पूछिए राज्य सरकार राजस्थान की थी, पढ़ने पेपर लिख हुए, एक शब्द नहीं बोला विवेक श्रीवास्तव ने, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, सचिन पायलट ने, राजस्थान से आप आती है रूबिका, 15-15 20-20 पेपर लीक होते थे, हम इनसे जवाब मांगते थे कि युवाओं का बताइए राजस्थान, और दूसरी की बात सुनिए, सुनिए इन्होंने क्या बोला, सबके लिए फीस बढ़ रही है, ठीक है इनका कंसर्न हो सकता है, मैनिफेस्टो में केवल एक समाज के लिए क्यों आपने बोला स्कॉलरशिप देंगे? फीस तो सबकी बढ़ रही है ना, अब हिंदू मुसलमान कौन करता है बताइए, हिंदू मुसलमान ये करते हैं, कम करेंगे हिंदू, हम फीस कम करेंगे, स्कॉलरशिप नहीं देंगे, वेलफेयर होना चाहिए हिंदू बच्चों के लिए, भी मिनिमम स्कॉलरशिप कम से कम एक गरीब का बेटा और एक अमीर का बेटा एक स्कूल एक कॉलेज में पढ़ सके, आप लोग जब मैनिफेस्टो बनाते हो और जब ये कहते हो कि मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, तो क्या हिंदू क्रिश्चियन सिख बच्चे ये सेकेंडरी हैं? रूबिका जी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आपने मैनिफेस्टो पढ़ा है, आप मैनिफेस्टो में मुझे मुसलमान शब्द दिखा दीजिए या हिंदू शब्द, ये एक सेकंड प्लीज सर, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, ये जनता ने देखी, उस मैनिफेस्टो में ना मुसलमान शब्द है ना हिंदू शब्द है, यस माइनॉरिटीज है, और माइनॉरिटीज कौन हो गया, अगर आप में से कोई, अगर कोई कर्नाटका से हिंदू आया हो जो दिल्ली में हिंदी बोलना नहीं आता, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, अगर कोई गे व्यक्ति है LGBTQ वो सेक्सुअल माइनॉरिटी है, हम माइनॉरिटी शब्द का डेफिनेशन दिए, लेकिन आप सिर्फ, आपको सिर्फ मुसलमान पकड़ना है, क्यों? क्योंकि हम बात करना चाहते हैं आज की, आप बात करना चाहते हैं ताज की, हम बात करना चाहते हैं इंसान की, आप बात करना चाहते हैं हिंदू मुसलमान की, हम बात करना चाहते हैं संविधान की, आप बात करना चाहते हैं गीता कुरान की, हम बात करना चाहते हैं कोविड में लाशों की, आप बात करना चाहते हैं घुसपैठियों की, ये फर्क है आप में और हमारे अंदर। माइक मिला है कर्नाटक में, माइक हाँ। कर्नाटक में अभी की बात बता रहा हूँ, तमाम जितने भी OBC की पोस्ट थी शिक्षा में वो नीट में मेडिकल कॉलेजेस में 160 सीट की 160 सीट मुस्लिम समुदाय को गई, हम जवाब देने का मौका देना, मैं इस बात को कोई गलत नहीं मानता, मैं हिंदू मुस्लिम करता हूं, लेकिन आप सिर्फ मुस्लिम करते हैं, मैं दोनों करता हूं, आप सिर्फ मुस्लिम करते हैं, इसका जवाब दीजिए, दिक्कत आपकी, इसका जवाब
कर्नाटका में एजुकेशनल मुस्लिम के लिए रिजर्वेशन है, बिल्कुल सही। देवेगौड़ा लाने वाले थे, देवेगौड़ा इनके पार्टनर थे और इनकी सरकार थी, तोड़ी नहीं थी। चुनाव के एक महीने पहले आपने ब्रेक किया था, इन्होंने निकालने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट में पत्थर मिला। चुनाव के एक महीने पहले क्यों नहीं निकाली बीजेपी की सरकार? कॉन्स्टिट्यूशन था, यहाँ आकर हिंदू मुसलमान करते। लाने वाले देवेगौड़ा, देवेगौड़ा के साथ इनकी अलायंस, निकालने वाले ये नहीं, और आके कांग्रेस को लेफ्ट को दोष देंगे। देखिए एक्सपोज हो रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जो विवेक जी ने बात की उसमें बात, एक सेकंड, इस पे एक फैक्ट चेक होना चाहिए। वो देवेगौड़ा जी की सरकार ने नहीं लाया था, उस समय पर वीरप्पा मोइली की सरकार थी और दिसंबर 1994 से पहले अप्रैल 1994 में वो जारी किया गया था। आपकी सरकार ने लाया, हमारी सरकार ने उसको हटाकर जो आरक्षित ओबीसी वर्ग अच्छा, है उनको अच्छा, दिया। परंतु मैं सवाल मैं बोल रहा हूँ उसको छोड़ दीजिए। आज जनता एक सेकंड, एक सुनिए, हम ये बांटने और जाति की राजनीति में फंस जाते हैं। नहीं आप मेरी बात सुनिए, चलिए वो कानून आप लेकर नहीं आए, ठीक है, लेकिन इनके सारे पुराने कांग्रेसी साथियों को तो आप अपने पास लेकर आ रहे हैं ना? ऐसा है, वो क्यों ला रहे हैं? ठीक करने के लिए। देखिए मैं तो कभी कभी घबराता हूँ कि इनके साथ कहीं कठोर साथ से डिबेट कर दिया और पता चला अगले दिन यही हमारा पटका पहन के बोलने लगे कि कांग्रेस में क्या क्या होता था इनके साथ। इसीलिए मैं नरमी से ही पेश आता हूँ। पर सुन लीजिए, देखिए आज मुझे लगता है कि आज एक ईमानदारी की डिबेट होनी चाहिए। नहीं रुकिए, अभी जवाब पूरा नहीं हुआ है आपका। क्या आप बार बार क्या कहते थे कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे और अब आपने कांग्रेस युक्त बीजेपी तो बना दी। कांग्रेस वाले कांग्रेस छोड़ेंगे तो कांग्रेस तो मुक्ति हो गई ना, वो कांग्रेस मुक्त करके ही तो भाजपा में आ रहे हैं, इसमें क्या गलती की बात है? मैं तो कह रहा हूँ कि राहुल गांधी सबसे ज्यादा कांग्रेस मुक्त। आपके पास वॉशिंग मशीन, वॉशिंग पाउडर है अच्छा। कि ये लोग जैसे ही आपके पास आएंगे ये चक्कर घिन्नी होगी और साफ सुथरे विचारधारा में निकल कर आ जाएंगे चमकीले। वॉशिंग मशीन तो गंदे कपड़े किसके हैं, मतलब गंदे कपड़े ये लेके बैठे? सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए भाई, केवल इतना पूछना चाह रहा हूँ, हमारी तो वॉशिंग मशीन है ना, इनकी ये दोनों की बंगाल में मोहब्बत और दोस्ती और केरल और वायनाड में कुश्ती चल रही है। केरल में बोले यहाँ से भागो, कांग्रेस पार्टी को डायवर्ट किया गया और वहाँ बात करप्शन पे थी, बात करप्शन पे थी। एक सेकंड, चले गए इंडिया गठबंधन के कॉन्स्टिट्यूएंट मुद्दा जो अभी तक नहीं आया, आप बताइए करप्ट लोगों को लेकर के उनके खिलाफ जो केसेस हैं क्यों ड्रॉप करती है? एक तो ऐसा है, आप क्यों ड्रॉप करते हैं केसेस को? कोई भी पॉलिटिशियन फाइनेंशियल क्राइम करके बीजेपी ज्वाइन करता है, केसेस ड्रॉप होते हैं, क्यों ड्रॉप होते हैं? आप ऐसा है, जाकर सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है कि नहीं है? तू जी सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है कि नहीं है? इस पर जवाब लेने दीजिए। राहुल गांधी आपके साथ आपके पास जो भी आता है आप उनके केसेस ड्रॉप कर देते हैं जवाब। मैं अपनी बात पूरी कर दूं, मैं कह रहा हूं कि इसी प्रकार की कुतर्कता और नकारात्मकता दिखाते दिखाते बंगाल से साफ हो गए, अब केरल से साफ होने वाले, जेएनयू के कैंटीन तक सीमित रहेंगे ये लोग, ये जेएनयू के कैंटीन में ही बैठेंगे तीन लोग। अब सुन लीजिए, वॉशिंग मशीन क्यों? भाई हर बात में आप हर वाक्य में टोकेंगे क्या? हर करप्ट पॉलिटिशियन को मुझे आपके परिवार वालों पे बड़ा तरस आता है, आप उत्तर नहीं दे रहे हैं जिसका। अब मैं अपना पॉइंट रखना चाहता हूँ, आपके पास नहीं है आंसर। अरे भाई रूबिका जी, मैं बता रहा हूं, वो बांध तो ले, वो कह रहे जवाब दे रहे, सुन तो लीजिए ना विवेक जी, ये जेएनयू पहुंच गया मैडम। चलिए सुनिए, भ्रष्टाचार पे बात की, चलिए भ्रष्टाचार पे एक सवाल, एक जवाब देकर भ्रष्टाचार पे फिर मुझे अपना पॉइंट कहने दीजिए। इनसे पूछे बाकी पर तो आरोप प्रत्यारोप जो कोर्ट में जाकर तय होंगे सिद्ध होंगे। लालू तो चार बार कन्विक्टेड है, उनके साथ बैठ के बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव करप्ट है कि नहीं, दुनिया खराब है, तुम अच्छे हो ना? लालू प्रसाद यादव करप्ट है कि नहीं, पूछ लीजिए। पार्टी में क्यों लेते हो? अरे भाई सुन लीजिए, क्यों लेते हो? इसलिए लेते हो, ये तरीका ठीक नहीं है। रूबिका जी एक सेकंड, लालू प्रसाद पर चुप हो गया भ्रष्टाचार की पोल खोल। अब सुन लीजिए, चुप हुए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक आम युवा होने के नाते, देश प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहा है, देश में प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, 5 वर्षों तक हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा, इनसे पूछिए इनका क्या एक एक साल में एक प्रधानमंत्री होगा? एक साल लालू प्रसाद यादव, एक साल ममता बनर्जी, एक साल जेएमएम के, एक साल आम आदमी पार्टी के, और एक साल राहुल गांधी जो 55% आपका ले लेंगे, ये जनता को पता होना चाहिए। मैम यहाँ पे सर, यहाँ पे मेन मुद्दा ईवीएम का था, ठीक है, आप लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, ये जो भारत है ये लोकतंत्र है, यहाँ ईवीएम नहीं तो क्या सर, बताइए। ओके ठीक है, आपने बोला कि है ना ये कांग्रेस वाले है ना सारे गंदे लोग, एक मछली पूरे तालाब को गंदे करते, तो एक दिन आप भी है ना ऐसे ही हो जाओगे, तो एक दिन आप भी है ना रजा जी, ये आपके लिए। देश के सबसे अधिक युवा आबादी वाले प्रदेश बिहार में आप युवाओं के मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते? 15 साल से तो आपकी भी 60-60 से सरकार। ओके मैम, मेरी शिकायतें हैं कि रिजर्वेशन के नाम पे जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो पीछे रह जाते हैं। ओके
सर मेरा सीधा सवाल आपसे बीजेपी प्रवक्ता से, सर मैं ये पूछना चाहूंगा हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन के जो सबसे पूछना चाहूंगा वो देखिए कांग्रेस कह रही है कि हम विरासत टैक्स लेके आएंगे तो हम क्यों इन्हें रोके जा मैम ये बोल रहे हैं कि इन्होंने बोला कि योजना चला बोल रहा है मैं वापस आऊंगी बहुत कम मेरे पास वक्त है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अभी तो लंबा यहाँ पर दौर बातचीत का चलने वाला है आप अपने सवाल जारी रखिएगा जोरदार तालियों से सारे मेहमानों का एक बार शुक्रिया आपने जयश्री थैंक यू शहजादपुरा वाला तहसीनपुरा वाला विवेक जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया लोकतंत्र में भारी डिबेट होना जरूरी है मतभेद होने चाहिए मनभेद नहीं आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया की ये बड़ी कवरेज विजय चौक से।